बैटमैन ने सुपरमैन को जान से मार दिया था। ये डीसी की डार्क मल्टीवर्स की टाइमलाइन है जहां सुपरमैन के कारनामों से बैटमैन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और वो सुपरमैन के सामने मुकाबले के लिए तैयार है। तभी सुपरमैन अपने हीट बीम से बैटमैन के हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और उसे दूर की तरफ फेंकता है। बैटमैन को हराने के बाद सुपरमैन उसके सामने आता है और उससे कहता है, मैं कभी नहीं समझ पाया, लोग बात करते हैं अगर बैटमैन और सुपरमैन की लड़ाई हुई तो बैटमैन जीत जाएगा, बल्कि मैं एक सांस में तुम्हें जमा सकता हूँ, हल्का सा टच करके तुम्हारे शरीर के सभी हड्डियों को तोड़ सकता हूँ और तुम मेरा सिर्फ एक भाले से मुकाबला करोगे, ये तुम जानते हो, तुम सब मेरे सामने कितने कमजोर हो। तभी बैटमैन कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ क्लार्क, तुमने मुझे बेहतर भविष्य के लिए होप दिया था मगर वो सब झूठ था। और वो अपने बेल्ट में एक बटन को प्रेस कर देता है जिसके बाद बैटमैन एक बड़े से मॉन्स्टर डूम्सडे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस टाइमलाइन में जब सुपरमैन ने डूम्सडे को मार दिया था तब बैटमैन ने उसके शरीर में से उसका सैंपल लेकर एक वायरस क्रिएट किया था और बैटमैन के इस वर्जन को द डिवास्टेटर कहा जाता है। और बैटमैन सुपरमैन को जोरदार पंच मारता है और उस पर क्रिप्टोनाइट गैस रिलीज कर देता है और फिर कहता है, अब बताओ कौन कमजोर है। फिर बैटमैन अपने शरीर के नुकीले हिस्से को सुपरमैन के शरीर के आर पार कर देता है